उतार। सारे व्यापारी घबराए हुए हैं बॉस। आपका फोन नहीं लगा तो मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइन कही कहने पर हम सब ने बाजार का सारा गेहूं खरीद कर गोदामों में भर लिया है और फंस गए हैं। सरकार तो उन बनिया से कह दो कि आज ये गेहूं नहीं सोना है, अगर खरीद लिया है तो आराम से सो जाएं और हमको भी सोने दे। कौन था डार्लिंग? जस्ट अ बिजनेस कॉल स्वीटहार्ट। भारत सरकार का आश्वासन, जनता बढ़ती कीमतों से घबराए नहीं, गेहूं के भाव में भारी गिरावट। वक्त से पहले ही नुकसान, तीन वक्त के नुकसान की बात करते हो, 30 वक्त फायदा भी तो हुआ है हमारे लाइन की वजह से। मालूम है आईजी के खास दोस्त ने। हाँ मालूम छे, 7 लाख में माल भरिया तेलू सु। लाइन तो बोल रहे थे जनता भले भूखी मर जाए, आप जिस भाव बेचोगे हम उस भाव खरीदेंगे। खरीदेंगे सेठ, खरीदेंगे। लाइन जरूर कुछ तरकीब निकालेंगे। तरकीब क्या निकालेंगे, यहाँ तो कल मुंबई में आ रहा। हम लुट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। कल लाखों टन गेहूं आ रहा है, भाव गिर जाएंगे और हम सब जैसा मर जाएंगे। अरे लाइन के होते हुए कुछ नहीं होगा। लाइन प्लीज आप भी तो कुछ बोलिए, अगर सचमुच कल जहाज बम्बई पहुँच गया तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। 50 लाख का सामान मैंने लेकर। अगर जहाज बंबई पहुंचेगा तब ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार, मैं, आप या सरकार? कौन है वो गद्दार जो अनाज गरीबों के मुंह तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है या अपने गोदामों में भर लेता है? इतना बड़ा पुलिस का महकमा लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आईजी खन्ना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि बहुत जल्द ही यह गिरोह हमारी हिरासत में होगा। मैंने उस ऑफिसर को फिर से यहां बुला लिया है जिसके नाम से मुजरिम थर्राते हैं, जिसका नाम है प्रभाकर श्रीवास्तवा। पुलिस वाले हो, पुलिस वालों की तरह रहो। नहीं डीएसपी साहब, डीएसपी साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता सर। एक बार फिर पूछने आया हूं, जिसका ट्रक तुम चला रहे थे उसके मालिक का नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, नहीं सर। उस ट्रक का मालिक कौन? आप 1000 बार मुझे यूं ही मारते रहेंगे सर और मैं 1000 बार यही कहूंगा, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, सर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है और तुम बताओगे कौन है तुम्हारा असली बॉस, कौन है वो जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो। नहीं सर, और मत मारिए, मुझे मार नहीं सह सकता, मैं मर जाऊंगा सर। रखो, जब तक तू अपने असली बॉस का नाम नहीं बता देगा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। वो मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं। हाँ बॉस, मर तो वो जरूर जाएगा, चाहे वो बताए या ना बताए, होना तो ये चाहिए कि वो बताए नहीं, चाहे वो जिए या मरे। उस पर भाकर को आप जानते नहीं, पूरा भेड़िया है कमबख्त। माना आईजी आपके पुराने दोस्त हैं, पर प्रभाकर भी तो उनका खास आदमी है, जब से वो आया है जीना हराम हो गया है हमारा। साले को सिवाय फर्ज के और कुछ सूझता ही नहीं, कहां वो शिकारी कुत्ता और कहां हमारा रघु। सोचिए बॉस, कच्चा है उसके आगे, सोचिए, थिंक थिंक। रघु, बता दे वो कमीना आदमी कौन है, रघु तेरा असली बॉस कौन है, बता दे रघु, बता दे। आप समझते क्यों नहीं डीएसपी साहब, मैं नहीं बता सकता।
कल उसका नाम बता दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा और मैं मर गया तो इतनी बड़ी दुनिया में मेरी बहन बिल्कुल अकेली रह जाएगी सर, बिल्कुल अकेली। ठीक है रखो, फिर मैं खुद ही जाकर तुम्हारी बहन को तुम्हारे काले कारनामे बता देता हूं। और इस बात को धमकी मत समझना तुम, सब कुछ तुम्हारी बहन के बारे में पता लगा चुका हूं मैं। शिमले में पढ़ती है, अपने भाई को रईस समझती है और रईसों की तरह रहती है, और उसका नाम है सपना माथुर। रुक जाइए डीएसपी साहब, प्लीज सपना से कुछ नहीं बताइएगा सर। सर मेरी बहन ये हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो सदमे से पागल हो जाएगी। रघु बता दे उसका नाम, बता दे, इसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है। देख रघु, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कानून तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। सिर्फ उसका नाम बता दे, एक बार उसका नाम बता दे। बोल रखो, बोलना क्या नाम है। लाइन, लाइन है उसका नाम। झूठ बोलते हो, भागते हो तुम, शहर के इतने बड़े बाइज्जत आदमी के ऊपर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लायन यानी दीन दयाल, जानते हो तुम। मैं जानता था डीएसपी साहब कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा। झूठ अक्सर बहुत आसानी से गले से नीचे उतर जाता है सर, सच को निगलना बहुत कठिन है। लेकिन याद रखिए, अब मैं बचूंगा नहीं। रघु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किशन, इसके लिए खाना ले जाओ। दीनदयाल, नहीं, कैसे हो सकता है। आईजी साहब का खास दोस्त लायन, अन्ना। हेलो पापा, हम चिंकी पिंकी बोल रहे हैं। आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि आप हमारा कलर बॉक्स ला देंगे और हमारी गुड़िया भी। अच्छा बेटा, ले आए। मुझे बात करने दे पापा, ये पिंकी मुझे बहुत सताती है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा पापा, अंजू आंटी देखो ना भैया, कितनी बार मना किया है कि ऑफिस टेलीफोन मत करो, मगर मानते ही नहीं। पापा को फोन करो, पापा से बात करनी, बस जिद किए जा रहे हैं। अंजू, मुझे कुछ ऐसा जरूरी काम आ पड़ा है कि मैं शायद तुम लोगों को स्टेशन छोड़ने नहीं आ सकता, इसलिए बच्चे जो चाहे उन्हें मेरी तरफ से खरीद लेना। भैया बड़े सीरियस नजर आ रहे हो, डैडी कहाँ है? हाँ, अपने केबिन में है। अच्छा, उनसे कह देना कि स्टेशन जरूर आए, और भैया तुम भी आने की पूरी कोशिश करना, वरना बच्चे उदास हो जाएंगे। ओके, जरूर आना पापा। सर दीनदयाल जी, वाह वाह वाह, आप मेरा बर्थडे मनाएंगे और उस बर्थडे पर आप 30-35 हजार रुपए खर्च करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करते भाई, 30 हजार रुपए कैश भिजवा देना मुझे, कैश है। वैसे भी लोग बात करेंगे कि आईजी रिश्वत खाता है, then why not take it direct, है? Come on man, don't pull my leg. अरे यार क्या बात करते हो, अरे भाई मुझे तो बस प्यार ही चाहिए, तुम्हारी दुआ ही काफी है। तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूला, याद है उस दिन शेर के शिकार में तुम्हें मेरी जान बचाई थी, वो जान नहीं बचाई होती ना तो बर्थडे तुम क्या मनाते, डेड मनाना पड़ता, डेड। सलाम लव सलाम, यही अपना प्रभाकर, प्रभाकर। इस दुनिया में मैं दो उल्लू के पट्टों को प्यार करता हूँ, एक तुम लायन के बच्चे और दूसरा यह शेर का बच्चा प्रभाकर, है? तो क्या मैं लाउड स्पीकर पे अनाउंस करूं ये बात? You wait, man, you wait. एक दिन मैं तुम दोनों शेरों को भिड़ा दूंगा और फिर मजा आएगा। Oh gosh, I'm getting late, man.
लिसन फिर बाद में बात करेंगे अपन, अभी चलें। अच्छा लिसन, नो बर्थडे पार्टी फॉर मी, नो बर्थडे, ओवर। काश आईजी खन्ना और 7 मिनट लेट, तो सब दोस्ती यारी में सब यही प्रॉब्लम होता है। I'll get a bloody reputation for being unpunctual, unpunctual. What's wrong with you? तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? क्या बात? सर मैं I understand. बस समझ गया। वो चिंकी पिंकी जा रहे हैं ना शिमला, इसलिए देखो I love you like a son. तुम्हें बच्चे की तरह प्यार करता है। जब तुम्हें ड्यूटी पे भेजता हूँ, कभी काम पे भेजता हूँ, तो क्या मैं रोता हूँ? चलो बन चलो, शाबाश, गुड बाय, 7 बजे पहुंच जाना ड्यूटी करने के बाद स्टेशन पे। ओके गुड बाय, गुड। लो खाल बैठो। गलतफहमी हुई है प्रभाकर, मैं भला ऐसे देशद्रोही ग्रोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं? मैं तो खुद गरीबों का, जनता का हमदर्द हूं, उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज का दुश्मन है आप, दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। मैंने? इतने समझदार पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? मुझे आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके मुंह पर खून लगा नजर आता है सेठ दीनदयाल। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। हूं नहीं थे, ये मत समझिए कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रहीं। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जी हां, ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं, और ये नीच काम करना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल, जिस दिन देश का भूखा बचपन जवानी पर आएगा, उस दिन दिल में एक बदले की भावना होगी, जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को। और तब शायद सरकार तो क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेगी। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। जानता हूं कि आपको लोग एक शेर के नाम से जानते हैं, मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है, और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। बहुत बोलता है, विषम व्यस्त लगता है।